जी मायरा, आगे क्या है प्रोग्राम? डेटलाइन न्यू दिल्ली की न्यूज है, सब्जी बेचने वाला बंदर सोशल मीडिया पर वायरल। यानी कि इस बंदर को सब्जी लगो तनिया दे के दरख्त पे चढ़ गया। बंदा दो घंटे बैठा रहो थल्ले आ मामा बाकी सब सौदा में गया हूं तो थल्ले आया बैठा। यार काश ऐसा हो सकता, और अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ भी लाखों ग्राम फरोज जो है वो बंदर के रूप में फिर रहे हो। शाहजी किड्डा मजा आना सी, सारे दुकानदार पूछ लाने होने से। ये पहला बंदर सी, इन्हें दुआ की थी कि मैंने इंसान बना दियो, नया नक्शी पमाओ ही रहने। ये शाहजी पहले रक्षा सी, हूँ भी रक्षा ही है। अच्छा तुसी जोर बहुत ना लाया करो, थोड़ा तो धुआं मेरी अखा च आता सी। वैसे जी असि सारे बंदर होंगे ना, सानू मारनी सी पैनी। क्यों? कुड़िया ने प्रपोज करके दरखत चढ़ गया। अच्छा जी, बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, मायरा ने जिसका तस्करा किया। एक बंदर है, उसने ठेला लगाया हुआ है और शहरी जो है वो उससे सब्जी खरीद रहे हैं। शाह जी मैं सोच रहा बंदर सिर सिर मंडी किवें जांदा होएगा। लो पागल जी, रिक्शे ते बह के मगया ना भी रिक्शा नहीं करेगा। बस हो गई है, अभी बार बार वही गल कही जान दे। डिसिप्लिन कायम रखे, ये ना करे, चुप करके बह जा कर। एवं तो रिक्शे जो बाहर ना निकलया कर, सिलेंडर चोरी हो जाना। ना कोई गल ना कोई बात है। ए शाजी तुहाडी वजह तो यह बोलन डे आ, समझ लगी कि नहीं? यार मैं मना तो कर रहा हूं। मना चंगा, तू जिदा मना कर रहे ना तो 28 साल नहीं हटना। मैंने देखे पहले दिन ही इनको समझाया था, आज मैं फिर समझा रहा हूँ। पहले दिन समझाया लेकिन तुहाडी गल दा जरा ये रक्षे वाला खुश रहा है। भेद को तो सवारी नहीं मोकती होनी। बात हो रही थी बंदर की जो भारत में सब्जी का ठेला लगाता है, और इस किस्म के वाकयात जो हैं पूरी दुनिया में, जो एनिमल फ्रेंडली सोसाइटीज होती हैं, इस किस्म के वाकयात वहां होते रहते हैं। जिते जिते रिक्शा चलता गल्ला होती हैं। अच्छा, वियतनाम में भी एक बिल्ली है जो कि मछली बेचती है। बिल्ली? वाह वाह, बाहर भाई है जिन्हें जानवरों भी सौदा बेचन के लाया है। लो इन्होंने रिक्शे वाले शो च पा ले ने। जानवर जो है ना वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेन किया होता है कि भाई आपने खाना नहीं है। बिल्ली जो है उसके सामने मछलियां रखी जाती हैं, अगर वो खाने की कोशिश करे तो उसको चपत लगाई जाती है। उसको ट्रेन किया जाता है कि भूख भी लग रही हो तब भी मछली तुमने नहीं खानी। पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, मार्केटिंग स्टंट्स हैं, ताकि सौदा जो है या जो माल है वो बिक सके। कोई भी अनयूजुअल चीज जब आप करते हैं, अब आप देखें ना, वैसे शहर में अगर 200 मछली की दुकानें हैं, मगर जिस दुकान के ऊपर बिल्ली जो है वो मछली बेच रही है या खड़ी हुई है, वो सबसे ज्यादा मशहूर होगी।